हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सागरिका और आज बात करेंगे उन पेशेंट्स के लिए या फिर उन एडिक्टेड लोगों के लिए जो कि स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं और इंटरेस्टेड हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई भी पेशेंट आता है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो उनकी हिस्ट्री हमेशा स्मोकिंग की मिलती है। ऑल्सो अभी इतने सारे कार्डियक अरेस्ट चल रहे हैं या फिर इतने सारे MIs चल रहे हैं, वो उनका भी मेन कोज स्मोकिंग होता है। तो आज बात करेंगे क्विट स्मोकिंग पे। तो अब बेसिकली लोग मुझसे क्या पूछते हैं कि जैसे आप आयुर्वेदा वैद्य हैं या फिर आप मुझे कुछ ऐसा बताइए आयुर्वेदिक जिससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और मेरी स्मोकिंग छूट जाए। तो यस, तो आयुर्वेदा में स्मोकिंग क्विट करने का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इजी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जो लोग सीरियस हैं स्मोकिंग क्विट करने के लिए, वो लोग बिल्कुल ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट इन द सेंस, देर आर टाइप ऑफ कैप्सूल्स ऑल्सो द सिगरेट्स, मतलब आयुर्वेदा में इसको धूम्रपान बोलते हैं। तो मुझे दो चीज़ें समझ आती हैं, एक तो कि ये जो सिगरेट या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको फूफू करने की आदत होती है, एज अक्षय कुमार हैज ऑल्सो सेड कि ये जो फूफू करने की आदत होती है ये हमारी मेंटलिटी होती है कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमें सिगरेट चाहिए, अगर हम हमारा BP है या वर्कलोड है तो हमें सिगरेट चाहिए, तो वो सिर्फ फूफू करने की आदत होती है। तो इसमें क्या होता है कि आयुर्वेदा में कुछ सिगरेट्स होती हैं जो कि हर्बल्स की बनी होती हैं, जैसे तुलसी है ना, जैसे जिंजर, इन सब की सिगरेट्स आती हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं या फिर आप कह लो रेनाइटिस हो गया या फिर हेडेक, माइग्रेन, इन ये सब जो डिसीजेज हैं, जब आप उन हर्बल सिगरेट्स को आप स्मोक करते हो, एक तो वो फूफू करने वाली आदत जो है वो आपकी रहती है कि चलो ठीक है, मेंटलिटी थोड़ी चेंज करते हैं, सिगरेट ही तो पी रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो आपके हेड में जाके आपके रिलैक्स करेगी आपके हेड को। ऑल्सो जिनको भी वात कफ इन द सेंस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, खांसी कह लो या फिर रेनाइटिस कह लो, एलर्जी कह लो, इन सब में बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी और आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे रिगार्डिंग योर बॉडी। दूसरी चीज़ कैप्सूल्स, जैसे ये कैप्सूल्स हैं, इनमें जैसे जिंजर है, तुलसी है ना, और यही बहुत सारे ऐसे ऐसे हल्दी, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई भी निकोटीन और कोई भी टबैको नहीं है। तो इन ये कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा और प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर आप लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो आप क्वायरी में आ सकते हैं, DM कर सकते हैं और हम लोग पहले इसके बारे में बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट ही आपको चाहिए, लेकिन जो लोग सीरियस होके स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं हम लोग बात कर सकते हैं। DM करिए, हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।